नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं लोकेश राउत अपने सहपाठी सौरभ लांजेवार, हिमांशु साठवने और मेघना ताई डगवार मेघना ताई डगवार के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। और एक कमाल के कैमरा मैन तो भूल ही गया तू, कैमरा मैन तो भूल ही गया, कैमरा मैन और मेरे छोटे से कैमरामैन के साथ में नजलेकर प्रेजेंट करते हैं बहुत ही फ्रेश और कमाल एपिसोड जिसका नाम है उराल जाएंगे और कहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह है घूमने की जो है उराल, दूसरी कोई जगह नहीं। तो आप मेरे जो सहपाठी है सौरभ लांजेवार, दूसरी जगह है अपने को पता नहीं। ब्लॉग का टाइटल फिर से बोल के दिखाएंगे, बोलेंगे उराल जाएंगे और कहाँ जाएंगे जोर से। मेरे सहपाठी मुणाल तलेकर आपको इस ब्लॉग का शीर्षक फिर से बोल के दिखाएंगे, उराल जाएंगे जोर से, उराल जाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे, नहीं तो कहाँ जाएंगे, उराल जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उराल जाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। नस लग गई पैर की इस थंबनेल के चक्कर में, एम्बुलेंस बुलाना पड़ता क्या? एम्बुलेंस हाँ, एम्बुलेंस बोलता हूँ, कैसे बुलाएंगे एम्बुलेंस, यहाँ के एम्बुलेंस नंबर है बस लगा पास, कैमरा पास लगा अभी कट से हो गया छोड़ो, बस पकड़ेंगे बस से आएंगे, क्योंकि कैब का फेयर बहुत महंगा था और कैब ऐसे चार लोग को ही बिठा दिए ना, और हम लोग कैसा पाँच लोग हैं उसके हिसाब से हम लोग अभी बस करेंगे। ये बसेस है यहाँ की, ऐसी बसेस होती है, ये ऐसी बसेस है, बसेस को नंबर दिए गए, जैसे इसका नंबर क्या है 17 नंबर है, तो यहाँ पे 17 नंबर 21 नंबर 32 नंबर 60 नंबर ऐसे करके नंबर्स हैं, और वो उस नंबर की बसेस स्पेसिफिकली उस अलग अलग जगह पे जाती है, जैसे अपने बोर्ड होते हैं इनके यहाँ पे भी बोर्ड है वैसे, लेकिन यहाँ पे नंबर से ज़्यादा काम चलता जाता है, जैसे हमको जहाँ जाना है वहाँ पे 158 जाती है 60 जाती है, तो ऐसे कुछ चार पाँच नंबर से वो बस जाती है, कंटिन्यू बसेस आती रहती है, बहुत ऐसे नहीं कि 60 नंबर की एक ही बस है, बहुत सारी बसेस है जिन पे नंबर 60 है, ठीक है ऐसा कुछ सिस्टम है। आज हमको लगभग फर्स्ट टाइम था हमारा, जैसे अभी हम लोग ने नए सिम लिए, कल वीडियो में देखा ही होगा इसके पहले, तो नए सिम्स लिए उसके कारण फिर आज फर्स्ट टाइम डिस्काउंट मिला 25%, तो 199 की थी हमको पड़ी है 144 की, 25% कटा ऑफ हुआ है। फिलहाल यहाँ पे लोकेश अपना जो टोपा है ठंडी का वो भूल गया है, इंडियन फैशन इंदिर शिया, अपना जो रुमाल है उसको अपने ऐसा बांधना है ताकि कान ढक जाए, बाकी मास्क से आपका नाक ढक जाएगा आपका, बाकी मैं अपना ऊपर सीधे अपने कवर है आपके अपने ऐसा फिनिश। व्हाट इज अप मित्रो, व्हाट इज अप, फुल इंडियन वाइब्स इन दी ओरियन बग कैन बी डन, ये एक ही स्ट्रीट है जो अच्छी है यहाँ पे ओरियन बग में, जिसमें सबको सच में ऐसा लगता है फॉरेन जैसा है, तो इसके बाद की अगर जगह दिखा लग गया हमें तो ऐसे लगेगा कि बुट्टी बोरिया वर्धा में आ गई, करती बुट्टी बोरिया वर्धा, तो यही जो जगह है ना वही अच्छी है बस यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि यही एक स्ट्रीट है जो एब्रॉड टाइम लगती है कि फॉरेन में करके अपन, बाकी इसकी बाहर जो भी चीज़ें हैं उसमें ऐसा पूरा गाँव टाइप फीलिंग है बस, बाकी यही एक छोटी सी जगह ठीक है। हाँ खा लोग जैसे वो जो रशियन जो कुछ लड़के थे उनसे बात करने के बाद और सभी कुछ खाने वाने पीने के बाद हम लोग उराल जा रहे हैं, उराल मतलब उराल नदी है,
मैंने अभी कभी किसी ब्लॉग में नहीं दिखाया, मैंने बोला था टू बी कंटिन्यू करके, लेकिन उसके बाद कभी गए नहीं मैं। अभी आज हम लोग फिर से आए ये जो इस जगह पे, मतलब मोस्टली ज़्यादा जो रशियन लोग हैं और इंडियन लोग भी जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो रिलैक्स करने के लिए आते, थोड़ा सा अपना खाने वाने का सामान लेके। अभी तो ठंड है, लेकिन जब समर होता है तब बहुत सारे लोग एज अ बीच भी इसको यूज़ करते हैं, मतलब एज एक बीच ही है ये, क्योंकि इसके पास में थोड़ी सी रेत भी है। और अभी तो यहाँ पे घोड़े वगैरह है, घोड़े की राइड ले सकते हैं आप। जो लोकल लोग हैं उन्होंने अच्छा खासा एकदम धंधा टाइप बना लिया। और बाकी आइसक्रीम की शॉप से ज़्यादा शॉप्स नहीं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे घोड़े वगैरह है, ठीक है, बुलक कार्ट्स वगैरह, बुलक कार्ट नहीं, सॉरी बुलक कार्ट तो उसके गाय के, उसको बोलते हैं। थोड़ा देर घूमे हम लोग उराल पे, थोड़ा देर घूमे हम लोग, उसके बाद में फिर थोड़ी फोटो वोटो खींची। ये स्ट्रीट दिखा दे एक बार, यहाँ से उराल से हम लोग वापस बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं उस साइड। ये जो है ना, ये थर्ड हॉस्टल है ओरिनबर्ग का, जो हम जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो अरमादा हॉस्टल है। वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बच्चे रहते हैं, और थर्ड ईयर के आगे जो फोर्थ ईयर के बच्चे हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर, वो इस हॉस्टल में रहते हैं। तो अपने हमारे जो सीनियर्स हैं वो इस हॉस्टल में रहते हैं। जैसे अब मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो मेरे जो सीनियर्स हैं कुछ कुछ जिनकी इच्छा थी उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर लिया अभी। ये इसके पास में फिर अपना यूनिवर्सिटी भी है, ये डीन ऑफिस यहाँ पे, इधर डीन ऑफिस है अपना, इधर डीन ऑफिस है इस साइड, फिर ये एनर डिपार्टमेंट है इधर आ जाए। नमस्कार मित्रों, पूरे दिन की सैर करने के बाद, उराल वगैरह घूमने के बाद में हम लोग वापस अरमादा है अपने हॉस्टल के पीछे, जो अरमादा हॉस्टल है अपना। हम लोग ने आज खाना खाए होते चावल सब्जी, लेकिन इसकी वजह से हम लोग आज फास्ट फूड खा रहे हैं। फिर बर्गर किंग में हम लोग आए हैं, ऐसा यूजुअली हम लोग आते नहीं, आज हम लोग जम गया इजीली दिया। हम हमने हम खाली हम दे एक ही दे हो जाएगा, हमने काम हो जाएगा। पेप्सी का देती तो देते, आधा से रिफिल बनने का तो पसंद है, तो बाहर में खा ले। ये सबसे बढ़िया चीज़ है, हम लोग ने बहुत दिनों बाद खाया, बोलना ऐसा अपन जनरली खाते नहीं ये सब। सौरभ अपने मम्मी को हाय बोलिए, अपने मम्मी को हाय, पापा को हाय बोलिए। साटो ने अंकल ने जो 50,000 भेजे थे ये उसमें से खा रहे हम लोग।